सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिना रटे हुए जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्हों को आसानी से याद कर लेंगे। हम में से हो सकता है कई लोगों को 2-4 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह याद होंगे और शायद उसमें भी उनको कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहता होगा। एक्चुअली अभी हाल ही में मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मेरी ट्रिक तो आपको पता ही है कि रटना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना है और ये सब कुछ अपने आप आपको याद हो जाएगा। जो ये वीडियो पहली बार देख हैं वो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप खुद ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितनी आसानी से आपको ये सब कुछ याद हो चुका है और आप उनके उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक-एक करके शुरू करते हैं। पहले तीर्थंकर हैं श्री ऋषभनाथ। अब ऋषभनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल, या जिसे सांड भी कहा जाता है। हमें ये याद कैसे रहेगा? रटना कुछ नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिए। ऋषभनाथ में एक शब्द है ऋषभ, ये दिख रहा है आपको ऋषभ। ऋषभ जो है वृषभ से बिल्कुल मिलता जुलता है। वृषभ आपने सुना होगा, संस्कृत में बैल को वृषभ बोला जाता है। तो वृषभ यानी कि बैल और ऋषभ, वृषभ ऋषभ, ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। तो जब भी आप ऋषभनाथ देखिएगा आपको अपने आप ये याद आ जाएगा कि ऋषभ यानी वृषभ और वृषभ यानी बैल, ठीक है। इसके बाद है श्री अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। जब भी कभी परीक्षा में प्रश्न देखिए श्री अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप प्रश्न में उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अजितनाथ, अब इसमें एक शब्द है अजीत, ये दिख रहा है आपको अजीत, 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 ऐसा लग रहा है ना जिसे जीता नहीं जा सकता, अजीत। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा जीव जंतु या मानव है जिससे कोई जीत नहीं सकता, तो आपके मन में पहले ही आएगा अरे यार वो तो हाथी है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, उससे कौन जीत सकता है ना, हम चाहें तो भी नहीं जीत सकते। अब ऐसा नहीं है कि हाथी से जीता नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि हमें ये याद रखना है इसलिए हमें ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अजीत, जिससे हम जीत ना सकें, और वो है क्या? हाथी। तो ऐसे में याद आ जाएगा कि श्री अजितनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इसके बाद दोस्तों श्री संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व या घोड़ा। याद कैसे रहेगा? ध्यान दीजिए, संभवनाथ, ऐसा लग रहा है ना ये बोल रहा है संभव और ना, संभव और ना, यानी कि जो संभव ना हो, अपने आप में ये उत्तर बता दे रहा है कि जो संभव ना हो उसकी आस करनी ही नहीं चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आस, आस से आपको अश्व, आस, आस, अश्व या घोड़ा याद आ जाएगा। तो जब भी आप देखिए संभव ना, तो संभव ना यानी कि हमें आस करनी ही नहीं चाहिए उसकी, क्योंकि संभव ही नहीं है। अब हम सोचें कि हम रातों रात अरबपति बन जाएं, तो ये तो संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो ऐसी आशा हमें करनी ही नहीं चाहिए। तो बस संभव ना और आस, आस यानी अश्व, अश्व यानी घोड़ा। इसके बाद दोस्तों श्री अभिनंदन नाथ, श्री अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर। कैसे याद रहेगा? देखिए अभिनंदन, अभिनंदन यानी क्या हुआ? किसी का वेलकम करना है ना, किसी का स्वागत करना, और वेलकम या अभिनंदन हम किसका करते हैं? जो हमारे दर पे आता है, ठीक है, ये दर है ना यहाँ पे दर। तो जब आपको दर याद आएगा तो बंदर अपने आप याद आ जाएगा। तो जब भी आप प्रश्न देखिए अभिनंदन नाथ, तो सिर्फ अभिनंदन को ध्यान दीजिए, अभिनंदन करना है किसका? जो हमारे दर पे आया है, ठीक है, और दर से आपको बंदर याद आ जाएगा अपने आप। इसके बाद है दोस्तों सुमति नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चकवा, एक पक्षी है। सुमति में एक शब्द है ना मति, मति, अब चाहे सुमति हो चाहे कुमति हो, यानी कि बुद्धि, अच्छी बुद्धि खराब बुद्धि जो भी हो, हमको मति ध्यान रखनी, सुमति। तो हमने कई बार सुना है ना कि हमारी मति चकरा गई, मेरी बुद्धि चकरा गई, या उसकी मति चकरा गई, उसने ऐसा सुना तो उसकी मति क्या हुई? चकरा गई, यानी घूमने लगी, चकराना। तो जैसे ही आप मति देखिएगा आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मति क्या हुई? चकरा गई। तो चकवा आपको अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों श्री पद्म प्रभ, यहाँ पे पद्म, ठीक है, एक शब्द है ना पद्म, पद्म यानी क्या होता है? कमल होता है, सभी को पता है, तो कमल हो गया पद्म प्रभ जी का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद दोस्तों सुपार्श्व, इनका प्रतीक चिन्ह था साथिया, या जिसे स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक का निशान तो आपको पता होगा, ऐसे रहता है ना स्वास्तिक का निशान, ये तो ये क्या है? स्वास्तिक। अब इस नाम में क्या छुपा हुआ है? देखिए सु यानी कि अच्छा, और पास, एक अच्छा व्यक्ति जिसे हम पास में हमेशा रखना चाहते हैं या रखते हैं, तो वो कौन होगा? वो हमारा साथी होगा। वो क्या होगा? वो हमारा साथी होगा, क्योंकि वो सु है यानी कि अच्छा है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, इसलिए हम उसे अपने पास रखते हैं, सुपास, सुपास, इसीलिए वो हमारा साथी बन जाता है। तो ऐसे में याद आ जाएगा कि श्री सुपार्श्व जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? साथिया, या जिसे स्वास्तिक कहते हैं। इसके बाद श्री चंद्रप्रभ, तो चंद्रप्रभ, इनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, नाम से स्पष्ट है, कुछ भी लॉजिक या ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है,
फिर आगे बढ़ते हैं श्री पुष्प दंत और इनका प्रतीक चिन्ह है मगर। तो इसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आसानी से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। पुष्प दंत यानी कि एक तालाब है या नदी है जिसमें हमें पुष्प दिखाई दिया, उसे हम तोड़ने गए तो क्या हुआ, किसी ने हमारे पैरों पे दंत गड़ा दिए, ठीक है, दांत गड़ा दिए। और ऐसा कौन करता है, मगर, है ना, मगरमच्छ करता है ना, क्रोकोडाइल। तो पुष्प दंत यानी कि मगर, बहुत आसानी से आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों श्री शीतलनाथ जी, तो इनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। और वैसे भी शीतलता हमें कहां से ज्यादा मिलती है, जब हम किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तब वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, हमें शीतलता मिलती है यानी कि ठंडक मिलती है। और स्पेशली अगर वो कल्प वृक्ष है जो कि स्वर्ग में था, तब तो इससे ज्यादा शीतल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आपको ये अपने आप याद आ जाएगा कि शीतल 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 यानी कि कल्प वृक्ष। इसके बाद है श्री श्रेयांशनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। तो श्रेयांशनाथ में एक शब्द है श्रेय, कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे काम का श्रेय हमेशा लेना चाहता है, सभी को पता है। और यदि वो काम गंदा हो तो उसका श्रेय कोई नहीं लेना चाहता। किसी भी काम का श्रेय लेने के लिए हर व्यक्ति आगे आता है, और स्पेशली अगर वो काम गंदा है, देखिए गेंडा है ना, गेंडा गंदा, गंदा है तो कोई भी उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। इसके बाद है श्री वासु पूज्य। तो श्री वासु पूज्य ऐसा लग रहा है ना, बता रहा है कि वासुदेव की पूजा करने के लिए कोई जा रहा है। अब वो पूजा करने के लिए जाएगा वासुदेव की, तो क्या करेगा, नहा धोकर सबसे पहले अपना भेष बदलेगा, है ना, कपड़े बदलेगा, वस्त्र बदलेगा अपने। तो भेष से आपको भैंसा याद आएगा, भेष से भेसा, भेसा या भैंसा याद आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, वासु पूज्य, वासुदेव की पूजा करने कोई जा रहा है, और पूजा करने जाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाके नहाना पड़ेगा और अपना भेष बदलना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद है श्री विमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शुकर। तो ये तो बहुत ही आसान है, विमल गुटका आपने सुना होगा। अब विमल गुटका मान लीजिए किसी ने खाया हुआ है और आके आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो उसको, कि जा थूक कर, ठीक है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि विमलनाथ शुकर, शुकर है ना, थूक कर मिलता जुलता है, शुकर थूक कर, शुकर थूक कर। या आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी ने विमल गुटका खाया हुआ है तो बार बार वो क्या करता है, थूकर थूकरता है, थूकर थूकर थूकर। इसके बाद है श्री अनंतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सेही। अब श्री अनंतनाथ में एक शब्द छुपा हुआ है, अनंत, अनंत और यहाँ पे है नाथ। तो नाथ यानी सभी जानते हैं ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप समझिए। और ये शब्द क्या कह रहा है कि ईश्वर, अल्लाह या जो हमारा मालिक है वो अनंत है, यानी कि जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। तो ये बात कैसी है, ये बात सही है, देखिए सही है, अनंत नाथ, नाथ अनंत है, तो ये बात सही है। ऐसे आपको ये याद आ जाएगा बिना रटे। दोस्तों हो सकता है ट्रिक आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए अंत में मैं जब आपसे कुछ प्रश्न करूंगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि कितनी आसानी से सब कुछ आपको याद हो चुका है। इसके बाद है श्री धर्मनाथ, श्री धर्मनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। तो इसे बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, धर्म ना, धर्म और यहाँ पे है ना, दो अलग अलग शब्द हैं, धर्म को ना मानने वाला या धर्म को नहीं मानना, ठीक है। और आप धर्म को जब नहीं मानोगे तो क्या होगा, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है, दंड दिया जाएगा, किससे, वज्र से। ऐसे आपको आसानी से ये याद आ जाएगा। फिर है दोस्तों श्री शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मृग या हिरण। तो शांति यानी समझ लीजिए आत्मा की शांति, और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हम कब करते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति मृत हो जाता है। तो मृत से मृग आपको आसानी से याद आ जाएगा, मिलता जुलता शब्द है, ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर दूसरा लॉजिक इस्तेमाल कर लीजिए कि शांति, शांति सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है, मृत्यु के बाद मिलती है। बोलते हैं ना भव सागर से मुक्त हो गया, अब उसे बहुत शांति मिलेगी। या फिर किसी क्षेत्र में शांति सबसे ज्यादा कब हो जाती है, जब उस क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, है ना, मृत हो जाता है कोई व्यक्ति, तब वहां पे लाउड स्पीकर वगैरह भी कोई नहीं चलाता। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा कि श्री शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है मृग, मृत से मृग बन गया, है ना, मृग यानी हिरण। इसके बाद दोस्तों श्री कुंठुनाथ या कुंठुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। तो कुंठुनाथ है, कुंठुनाथ में देखिए एक शब्द है कंठ या कुंठ, कंठ या कुंठ, कंठ यानी क्या हुआ, गला, जहां से हमारी आवाज निकलती है, और आवाज निकलती है तभी तो हम क्या करते हैं, बक 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 करते हैं, ठीक है। तो कंठ या कुंठ, और ये है बक बक करना। तो ऐसे आपको इसे कोरिलेट कर लेना है, और जब ये कोरिलेट हो जाएगा तो अपने आप याद आ जाएगा, कंठ बक बक, कंठ बक बक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों श्री अरहनाथ, अरहनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है मछली। तो अरह में एक शब्द है ना, अरहर, अरहर आपने सुना होगा, आपने इसकी दाल भी खाई होगी, अरहर की दाल खाई है ना, जिसे कहीं पे तुअर दाल भी बोला जाता है। तो अरहर की दाल, अरहर, जैसे ही आप देखिए अरहनाथ
यानी कि अरहर की दाल की बात हो रही है। और जब भी आप यहाँ पे अरहर देखिए तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कई बार लोग क्या कहते हैं कि अरे यार आज दाल नहीं खाएंगे, आज हमको कुछ नॉन वेज टाइप का खिलाओ, ठीक है मछली खिलाओ या चिकन खिलाओ या और भी कुछ खिलाओ, लेकिन आज हम अरहर की दाल नहीं खाएंगे। तो इस तरह से वहां पे आप समझ लीजिए कि आज ये अरहर की दाल नहीं खाना चाह रहा है, यानी कि वेज खाना नहीं खाना चाह रहा है और नॉन वेज खाना चाह रहा है जो कि मछली है। तो अरहनाथ यानी कि मछली। फिर देखिए श्री मल्लीनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह कलश, तो मल्लीनाथ में आप दो तरह से लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मलिन, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है मलिन। अब कोई चीज मलिन है, मलिन यानी क्या हुआ, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी, तो ऐसी चीज क्या हो सकती है, कलश। भगवान की पूजा में हम कलश इस्तेमाल करते हैं, मलिन यानी कि कलश। और दूसरा यहाँ पे लॉजिक क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि मल्ल युद्ध, मल्ली में है ना मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करना, क्या हुआ कुश्ती में किसी को पटक दिए और वो मर गया, क्या हो गया लाश बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको लाश से कलश याद आ जाएगा। या फिर तीसरा लॉजिक लगाना हो तो मल्ली युद्ध यानी कि मल्ल युद्ध करना है हमको आपके साथ, तो उसने बोला नहीं यार कल आना, आज नहीं लड़ सकता मैं, तो मल्ली और ये कल, ठीक है मल्लीनाथ कलश। इसके बाद है श्री मुनिश्रु व्रतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है कच्छप या कछुआ। तो यहाँ पे देखिए व्रतनाथ, व्रत व्रत एक वर्ड है ना, व्रत फास्टिंग उपवास। तो यदि कोई व्रत रखता है या उपवास करता है तो वो हमेशा देखिएगा बोलता है ये मैं छुआ हुआ नहीं खाऊंगा या छुआ हुआ पानी नहीं पीऊंगा या वो हर जगह नहीं छूता है, वो सब कुछ साफ सुथरे तरीके से करता है और अपना व्रत पूरा करता है। तो मुनिश्रु व्रत से आपको याद आएगा छुआ, व्रत छुआ, ठीक है छुआ से कछुआ आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद है श्री नमीनाथ, तो नमीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। अब यहां पे देखिए कमल दूसरी बार आ गया, एक बार हमने पढ़ा था ना पद्म, पद्म यानी कमल, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा यहां पे, वो कमल था और ये नील कमल है। अब नील कमल कैसे याद आएगा आपको, यहां पे देखिए नमी है ना, नमी यानी क्या हुआ जो जमीन में नमी रहती है, पानी की वजह से नमी आती है ना, तो नमी और यहां पे है ना, नमी नहीं थी, नमी नहीं थी, नमी नहीं थी तो क्या प्रॉब्लम हुई, कमल जो था वो लाल की जगह नीला हो गया, ठीक है नमी नहीं थी इसलिए कमल लाल की जगह नीला हो गया, तालाब सूख गया नमी नहीं थी इसलिए कमल लाल की जगह नीला पड़ गया। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि नमी ना होने की वजह से कमल नीला हो गया, और पद्म मतलब तो कमल सीधा सीधा था। फिर अगला है श्री अरिष्ट नेमी, और अरिष्ट नेमी तो अक्सर हम घर में सुनते हैं ना कि अनिष्ट अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट यानी क्या होता है गलत हो जाना। तो अगर हमको गलत नहीं होने देना है घर में तो क्या करना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, ठीक है शंख की आवाज से ना भूत प्रेत ये सब भाग जाते हैं ऐसा हम सुनते हैं। अब पता नहीं सही है या गलत है लेकिन ये हमारा विश्वास है कि अनिष्ट अगर कोई काम होने वाला है, किसी काम में अनिष्टता होने वाली है तो आप शंख बजाइए, घर में पूजा कीजिए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, तो वो नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसे आपको अनिष्ट से शंख याद आएगा और अरिष्ट नेमी से शंख, उनका प्रतीक चिन्ह आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद है श्री पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है कि थोड़ी देर पहले हमने सुपार्श्वनाथ पढ़ा था तो वहां पे सुपार्श्व था, सु यानी अच्छा, ठीक है सु यानी अच्छा, जो हमारा अच्छा सोचता है भला सोचता है और हमारे पास में रहता है, तो हम उसे क्या करते थे अपने साथिया बना लेते थे, ठीक है और साथिया उसका प्रतीक चिन्ह हो गया था। यहाँ पे क्या है पार्श ना, पास ना, यहाँ पे सु नहीं है यानी कि अच्छा नहीं है ये, इसलिए इसको पास में नहीं रखना है। तो ऐसा कौन सा जीव है, वो है सांप, पास में हमें नहीं रखना है किसे, सांप को। इसके बाद अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर हैं श्री महावीर जी जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, ये लगभग सभी को याद है, फिर भी आप इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं चाहे तो। महावीर, कोई भी महावीर कब कहलाएगा, जब वो बिल्कुल सिंह की तरह होगा, शेर की तरह होगा, ठीक है तभी वो महावीर कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ याद हो चुका होगा। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं, मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा और आपको उनके उत्तर देने हैं, यदि आप 5 में से कम 4 सही उत्तर दे देते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल होता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन तीर्थंकर श्री शीतल नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। शीतल नाथ याद रखिएगा, घोड़ा हाथी कल्प वृक्ष या मृग यानी कि हिरण। दूसरा प्रश्न है, बैल या सांड किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है। बैल या सांड, कुंथुनाथ, ऋषभदेव, मल्लीनाथ या फिर धर्मनाथ। तीसरा प्रश्न है, जैन तीर्थंकर श्री अरहनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, बकरा, घोड़ा या अश्व, कलश या फिर मछली।
यदि इनका उत्तर आप बिना रटे बता सकते हैं तो इसका मतलब मैं आपको ये सब कुछ याद कराने में सफल रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वज्रदंड किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? वज्रदंड, अरिष्टनेमी, महावीर, मल्लिनाथ या धर्मनाथ? और अंतिम प्रश्न है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, सर्प, शंख या नीलकमल? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि मैं सही हूं और आपको मुझसे कुछ कहना है या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।